वेलकम टू एम्बिशियस बाबा डॉट कॉम। आज हम लोग लीनियर अरेंजमेंट के सेकेंड सेशन में हैं और आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे मल्टीपल रोज से रिलेटेड। प्रीवियस सेशन में हमने सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन किए थे, आज हम लोग मल्टीपल लाइन यानी टू पैरेलल रोज के केसेस को देखेंगे। तो चलिए ज़रा पहले क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है ये देखते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 12 persons are sitting in two parallel rows containing 6 persons each. 12 लोग हैं जिनके हर एक रो में 6 persons हैं। तो ये हमने रोज बना लिया। दो ओके तो देखिए 6-6 लोग दोनों रो में बैठे हैं। नीचे वाली रो को ऑलवेज कंसिडर करते हैं नॉर्थ फेसिंग, और हमें पता है कि जो नॉर्थ फेसिंग होगा उस केस में हमारा राइट साइड और इनका राइट साइड सेम होना चाहिए और हमारा लेफ्ट और इनका लेफ्ट साइड सेम होना चाहिए। यानी हम बात करें तो ये वाली मूवमेंट लेफ्ट होगी नीचे वाले रो के लिए और ये वाली मूवमेंट राइट होगी। सिमिलरली हेयर ऑल्सो ये साउथ फेसिंग लेंगे, साउथ फेसिंग में ठीक उल्टा कर देना है ना। साउथ फेसिंग में हमने पढ़ा है जो हमारा राइट साइड है वो लेफ्ट होता है और जो हमारा लेफ्ट साइड होता है वो इनके लिए राइट बन जाता है। तो लेफ्ट और राइट की मूवमेंट यहां रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो ऊपर वाली रो में हमारा राइट लेफ्ट ठीक अपोजिट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा आगे पढ़ते हैं आगे इंफॉर्मेशन क्या गिवन है। ओके, इन रो वन पी क्यू आर एस टी यू आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ। तो ऊपर वाला रो चूंकि साउथ फेसिंग है यानी इस रो में हमें बिठाना पी क्यू आर एस टी यू, इन 6 जनों को बिठाना है। एंड इन रो नंबर 2 ए बी सी डी एंड ई ई एंड एफ आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। तो नीचे वाली रो में ए बी सी डी ई एफ है भाई, ए बी सी डी ई एफ, ये 6 जने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि हम अपनी क्वेश्चन में दी गई इंफॉर्मेशन का शॉर्ट नोट्स बनाएं और उसके बाद इसे रो में पुट करें। तो चलिए शॉर्ट नोट्स बनाते हैं, जरा पहले इंफॉर्मेशन देखते हैं क्या है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज पी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ टी। पी जो है वो टी के थर्ड लेफ्ट में है, टी के थर्ड लेफ्ट में पी है। अब टी का लेफ्ट किधर चलेंगे ये डिपेंड करेगा टी की फेसिंग क्या है। हमें पता है चूंकि टी जो है वो ऊपर वाली रो में बैठा है और ऊपर वाली रो में लेफ्ट की मूवमेंट जो है वो ठीक ऑपोजिट हो जाती है। तो अगर हमें ये पता है तो हम इसे ऐसे नोट कर सकते हैं टी और इसके थर्ड लेफ्ट में पी, चूंकि ये दोनों ऊपर वाली रो में, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नीदर पी नॉर टी सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। पी और टी में से कोई भी लाइन के एंड पर नहीं बैठता है। तो P और T हमने यहां पुट कर लिया, ये लाइन की एंड पर नहीं बैठते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। नीदर P नॉर T सिट्स एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन। E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A, E सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ A। तो A के सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा, E आ जाएगा। A के सेकंड लेफ्ट में कौन है, E है। तो इसके लिए हम यहां नोट कर ले रहे, चूंकि ए और ई दोनों नीचे वाली रो में है तो ए के सेकंड लेफ्ट में पुट कर लेना है ई को। ए के सेकंड लेफ्ट में हमने रख दिया ई को। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। तो अगली जानकारी है, नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी। यानी ए या ई में से कोई भी टी पी के सामने नहीं है। मींस जो टी के सामने वाली सीट होगी, चूंकि हमें पता है टी और पी ऊपर वाली रो में है, इसके सामने वाली सीट ठीक नीचे वाली रो में होगी। तो इसके सामने वाली सीट पर ए और ई नहीं है, ना ही टी के सामने वाली सीट पर है और ना ही पी के सामने वाली सीट पर ए और ई अवेलेबल है, ठीक है। तो नीदर ए नॉर ई फेसेस टी और पी, टी और पी के सामने ए और ई नहीं है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है। Only one person sits between U and Q. Okay, हमें एक और इंफॉर्मेशन मिली है, U और Q के बीच एक जन बैठा है। U और Q के बीच एक जन बैठा है, यानी U से Q की पोजिशन विल बी सेकेंड। U से Q की पोजिशन सेकेंड हो जाएगी, लेकिन अभी ये नहीं मैंशनड है
कि इनमें से लेफ्ट में कौन है और राइट में कौन है, तो इस वजह से हम एरो मार्क यहां प्लेस नहीं कर सकते। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्यू डज नॉट फेस ए, क्यू डज नॉट फेस ए यानी जो ए के सामने वाली सीट होगी। अब चूंकि ए और ई नीचे वाली रो में है तो सामने वाली सीट ऊपर वाली रो में होंगे, तो ए के ठीक सामने वाली सीट पर क्यू नहीं हो सकता। आर डज नॉट फेस ए, अब आर के बारे में बता दिया गया, ए के सामने वाली सीट पर आर भी नहीं होगा, तो आर और क्यू तो ए के सामने वाली सीट पर नहीं है। एंड आर डज नॉट सेट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, यानी जो हमारी एंड वाली सीट है, चूंकि आर को ऊपर वाली रो में रखना है तो एंड वाली सीट पर आर नहीं होगा। तो हम लोग कह सकते हैं आर, पी और टी ये तीनों एंड पर नहीं होंगे। सो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन एफ एंड सी, एफ और सी के बीच एक पर्सन है, एफ और सी के बीच एक पर्सन है, तो एफ से सी की पोजीशन जो है वो सेकंड हो जानी है, एफ से सी की पोजीशन सेकंड। चलिए यहां लिख दे रहा हूं, क्योंकि एक पर्सन बैठा है इनके बीच, तो एफ से सी की पोजीशन जो है वो सेकंड हो जाएगी। नीदर एफ नॉर सी फेस टी, यानी एफ और सी में से कोई भी टी के सामने मौजूद नहीं है। तो टी के सामने हमें पता था ए ई नहीं है, और इसके साथ साथ यह भी मेंशन हो गया कि टी के सामने एफ और सी भी नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, सी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, सी किसी भी एंड पर नहीं है, तो नीचे वाली रो में हमारे पास दो एंड की सीट है, तो सी इन दो एंड्स पर नहीं होंगे। एंड ए डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स, ए भी किसी एंड पर नहीं है, यानी हम यहां नोट कर सकते हैं यहां ए भी एंड पर नहीं होगा। ए डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, बी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, बी जो है वो एफ का नेबर नहीं है, एफ का नेबर मतलब एफ से फर्स्ट प्लेस पर बी नहीं है, एफ से फर्स्ट प्लेस पर बी नहीं है। तो देखिए हमारे पास कुछ इतनी इंफॉर्मेशन दे दी गई। अगर आप बात करें हमने जो शॉर्ट नोट्स बनाया उस शॉर्ट नोट्स के अकॉर्डिंग देखिए, तो हमारे पास एक दो यू और क्यू से रिलेटेड तीन और बी एफ सी से रिलेटेड चार, ये चार इंफॉर्मेशन हमें मेंशन है। ठीक है, अब यहां एक बहुत ही की पॉइंट है ये जानना कि हमें अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो जहां हमारे पास मैक्सिमम इंफॉर्मेशन होती है और डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है वहां से हम अपने क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं। देखिए शुरुआत में हमें बोला गया था टी के थर्ड लेफ्ट में पी होगा और पी और टी एंड पर नहीं होंगे, तो हम टी और पी को कहां कहां बिठा सकते हैं, चूंकि टी और इसके थर्ड लेफ्ट में पी को रखना है, टी चूंकि एंड पर नहीं आ सकता, ठीक है, तो टी को यहां रख के देखें क्या इसके थर्ड लेफ्ट में पी आएगा, क्या फर्स्ट सेकंड थर्ड पी आ सकता है, जी बिल्कुल आ सकता है। इसके आगे अगर टी को रखें तो क्या इसका थर्ड लेफ्ट, चूंकि साउथ फेसिंग रो है लेफ्ट तो उल्टा चलेंगे, क्या थर्ड लेफ्ट यानी ये वाली सीट आएगी, क्या इस सीट पर पी आ सकता, पॉसिबल है, नहीं है जी, क्योंकि पी एंड पर नहीं आ सकता, यह हमें पहले ही बोल दिया गया था। टी को इसके आगे रखें तो लेफ्ट की तीन सीटें बचेंगी नहीं, यानी इसके आगे कहीं भी टी पॉसिबल नहीं है, यानी टी और पी को ऊपर वाली रो में रखना है, तो इनके पास यही दो पॉसिबल सीट्स हैं, इन्हीं सीटों पर टी और पी को अब हमें फिक्स करना होगा। अब टी के सामने ए ई एफ सी पॉसिबल नहीं है, ये नोट कर लेते हैं, टी के सामने वाली सीट ये है, इस सीट पर ए नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, एफ नहीं हो सकता और सी नहीं हो सकता। सिमिलरली पी के सामने भी ए और ई पॉसिबल नहीं, तो पी के सामने ये वाली सीट है, यहां भी ए और ई पॉसिबल नहीं। तो देखिए हमने इंफॉर्मेशन की पहली सेट को प्लेस कर दिया, अब क्या करें, तो अब देखिए पी और टी से जुड़ी और जानकारी हमारे पास नहीं है। ऐसे कंडीशन में हम देखते हैं कि हमारी इस पूरी की पूरी टेबल में जो भी चीजें हमने इंफॉर्मेशन प्लेस की है उसमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जो मैक्सिमम सीटों पर नहीं बैठ सकता, यानी जिसको लेकर हमारे पास सबसे ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन है। जैसे अगर यहां देखिए तो अगर हम ए पर गौर करें तो देखिए बेटा ए एक सीट पर नहीं हो सकता, दूसरी सीट पर नहीं हो सकता, तीसरी पर नहीं हो सकता और चौथी पर भी नहीं हो सकता। इन चार सीटों पर ए पॉसिबल नहीं है, यानी ए को प्लेस करने की बात करें
तो राइट नाउ वी हैव टू पॉसिबल कंडीशंस, या तो ए इस सीट पर हो या फिर ए इस सीट पर हो। इन दोनों पॉसिबिलिटीज को एक एक कर हम वेरीफाई करेंगे। तो अब देखें, ए से जुड़ी हमारे पास कोई और जानकारी है, तो एक जानकारी है ए के सेकंड लेफ्ट में क्या आना चाहिए, ई को आना चाहिए। अब देखिए, अगर हम ए को यहां प्लेस करते हैं तो क्या सेकंड लेफ्ट में ई को रख सकते हैं? जी बिल्कुल, एंड पर ई आ सकता है, एंड पर सी और ए नहीं आने चाहिए। लेकिन अगर हम ए को यहां रखते तो सेकंड लेफ्ट वाली सीट ये होती, और यहां हमें पता है कि इस सीट पर ई पॉसिबल नहीं, टी के सामने ई नहीं आ सकता। इसका मतलब ए की ये पॉसिबिलिटी भी सही नहीं है, ये गलत हो जाती। अगर हम ए को यहां रखते, सेकंड लेफ्ट में ई को यहां रखना पड़ता, और ई और टी एक दूसरे को फेस नहीं कर सकते हैं, इस वजह से ई यहां पॉसिबल नहीं, तो सेकंड राइट में ए भी पॉसिबल नहीं। अब जहां ए को रखा है आपने, उसको देखो, उसके ठीक सामने आर और क्यू पॉसिबल नहीं, उसके ठीक सामने वाली सीट पर आर और क्यू नहीं आ सकते। तो ए अब यहां फिक्स हो गया है, ए के सामने ये वाली सीट है, यानी इस सीट पर आर एंड क्यू ये दोनों पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब ए और ई आ गए, वापस से फिर से वही काम करते हैं, देखते हैं हम कौन सा ऐसा पर्सन बचा है जिसे प्लेस करना हो और जिसको लेकर मैक्सिमम नेगेटिव इंफॉर्मेशन हो, यानी जो मैक्सिमम सीटों पर पॉसिबल ना हो। जैसे यहां पर देखिए, तो ऊपर वाली रो में देखिए, आर एंड वाली सीट पर नहीं, यहां भी नहीं हो सकता क्योंकि यहां तो टी है। आर बेटा यहां भी नहीं हो सकता, ए के सामने यहां भी नहीं हो सकता, और एंड पर नहीं हो सकता। यानी आर को अगर प्लेस करने की बात करें तो हमारे पास केवल एक ही सीट बच रही है, तो जो बची हुई सीट है वहां प्लेस कर लेंगे आर को। अब ऊपर वाली रो में तीन जने तो आ गए, अब तो ऊपर वाली रो के लिए ये एक इंफॉर्मेशन है, यू से सेकंड सीट पर क्यू को आ जाना चाहिए, यू से सेकंड सीट पर क्यू आ जाना चाहिए, और हमें क्यू के बारे में पता है कि क्यू बेटा इस सीट पर नहीं हो सकता। तो अब क्यू को प्लेस करने की बात करें, हमारे पास दो सीटें खाली बच रही हैं, दोनों एंड पर हैं। अब अगर हम क्यू को इस सीट पर रखें, राइट वाला जहां मेरी हाथ, जहां मेरी उंगली है, तो अगर क्यू को यहां रखें, इससे सेकंड सीट पर यू आ जाना चाहिए, तो इससे सेकंड सीट फर्स्ट एंड सेकंड, लेकिन यहां तो आर है, यानी यहां यू पॉसिबल नहीं। इसका मतलब हम क्यू को इस सीट पर अभी फिलहाल नहीं बिठा सकते। तो अब क्यू बेटा इस सीट पर नहीं, इस सीट पर नहीं, तो क्यू के लिए अब केवल एक ही जगह बच रही है, तो यहां रख लेंगे क्यू को, और क्यू से सेकंड प्लेस पर यू आ जाना चाहिए, तो क्यू और इससे सेकंड प्लेस पर यहां प्लेस कर लेंगे यू को। ऊपर वाले रो में देखिए, क्यू टी यू आर और पी आ गया है, एक ही पर्सन बच रहा है एस, तो आखिरी सीट पर प्लेस कर लेंगे एस को। चलिए अब जरा नीचे वाली रो को देखते हैं, तो नीचे वाली रो में ध्यान से देखें, तो हमने ए और ई को प्लेस कर लिया है, और नीचे वाली रो में जितनी खाली सीटें हैं उस पर कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको लेकर मैक्सिमम नेगेटिव इंफॉर्मेशन बची? तो अब बचा रह गया है सी। देखो बेटा, सी इस सीट पर नहीं आ सकता, और सी बेटा इस सीट पर भी नहीं आ सकता, यानी सी को अगर बिठाने की बात करें तो नीचे वाली रो में दो ही खाली सीटें हैं, सी वन एंड सी टू। एक एक करके सी को दोनों जगह बिठाकर देखते हैं। लेट्स से अगर सी को हमने यहां बिठाया, तो हमें पता है ना सी से सेकंड सीट पर एफ आ जाना चाहिए। अब सी के राइट में तो सेकंड सीट है नहीं, और लेफ्ट में देखें तो फर्स्ट सेकंड सीट पर ए आ जा रहा है, यानी यहां एफ नहीं आ सकता। इट मींस व्हाट कि सी की ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है, यानी हम सी को यहां नहीं बिठा सकते। तो अब सी को बिठाने के लिए केवल एक पॉसिबल सीट बची, यानी यहां सी हो जाएगा फिक्स, और सी के सेकंड प्लेस पर किसे रखना है? एफ को। अब राइट लेफ्ट मेंशन नहीं है, हम दोनों साइड चेक करेंगे। तो क्या सी के सेकंड लेफ्ट में एफ को रख सकते हैं? तो सेकंड लेफ्ट में ये सीट है, और यहां मेंशन है कि यहां बेटा एफ पॉसिबल नहीं है, यानी यहां हम एफ को प्लेस नहीं कर सकते। तो इसका मतलब राइट की ओर जाना होगा, और सी के सेकंड राइट में यहां प्लेस कर लेंगे एफ को। नाउ एफ के इमीडिएट पे बी पॉसिबल नहीं है, तो अगर F यहां है तो इमीडिएट सीट ये वाली सीट, यहां पर B नहीं हो सकता। अगर B यहां नहीं हो सकता तो B को प्लेस करने के लिए केवल एक ही खाली सीट बच रही है, तो इस खाली सीट पर B को प्लेस कर देंगे। और नीचे वाली रो में अगेन देखिए, E B A C F पांच जने आ गए हैं, एक जन बचा है विच इज D, तो D को हम यहां प्लेस कर लेंगे। तो ये था
पैरेलल रो से रिलेटेड क्वेश्चन, यहां पर काम करने का तरीका क्या है वो अभी हमने देखा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, पैरेलल रोस। तो यहां हमें दो पैरेलल रो बनाने हैं। तो ये दो पैरेलल रो बना दिया हमने और हर एक रो में बताया गया चार पर्सन्स है, ठीक है। इन रो वन ए बी सी एंड डी आर सीटेड फेसिंग साउथ। तो ऊपर वाली रो फर्स्ट रो है, यानी यहां हम लिख सकते हैं कि इन पर बैठेंगे ए बी सी डी, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। और नीचे वाली रो में पी क्यू आर एस है, तो पी क्यू आर एस, लेफ्ट राइट का ख्याल रखना है आपने। नीचे वाली रो का राइट और लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट सेम होगा, ऊपर वाली रो का राइट लेफ्ट और हमारा राइट लेफ्ट अपोजिट होगा। चलिए आगे की बात करते हैं। द पर्सन फ्रॉम ओबीसी फेसेस द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक। तो जो ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव है वो फेस करेगा यूको बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को। ये दोनों आमने सामने होंगे, लेकिन ये नहीं पता कि इनमें से नीचे वाली रो में कौन है और ऊपर वाली रो में कौन। अगर हमें रो का आइडिया नहीं होता तो हम एरो नहीं लगाते। एरो नहीं लगाने का मतलब कोई एक ऊपर हो सकता है और दूसरा नीचे वाली रो में। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। अब चूंकि आर नीचे वाली रो में है तो इसका ध्यान रखना है कि आर और पीएनबी के बीच एक पर्सन होगा। तो अगर आर और पीएनबी के रिप्रेजेंटेटिव के बीच एक पर्सन है, यानी हम इनकी रेस्पेक्टिव पोजिशन लिख सकते हैं सेकेंड, आर से सेकेंड प्लेस पर पीएनबी का रिप्रेजेंटेटिव है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। ओके, क्यू जो है वो देना बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को फेस करेगा। तो क्यू को जहां भी रखें, नीचे की नीचे वाली रो में होगा, तो जो देना बैंक का रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इसके ठीक ऊपर वाली रो में होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इज सी सेट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, सी जो है, अब सी कौन सी रो में? ऊपर वाली रो में, और ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव के सेकंड राइट में है। इसका मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव भी ऊपर वाली रो में होगा। और अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का रिप्रेजेंटेटिव ऊपर वाली रो में होगा तो इसका राइट किधर चलेंगे? तो जाहिर सी बात है जो हमारा लेफ्ट है, तो सी इसके सेकंड राइट में है। तो हम ऐसे लिख लेंगे कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के रिप्रेजेंटेटिव के सेकंड राइट में कौन आ गया? सी आ गया। चूंकि ये ऊपर वाली रो में है और ऊपर वाली रो में राइट लेफ्ट अपोजिट हो जाते हैं, इस वजह से हमने इसका एरो जो है लगाया लेफ्ट साइड है। जैसे ही रो में प्लेस करेंगे तो लेफ्ट साइड रखेंगे, लेकिन रो की फेसिंग के अकॉर्डिंग ये राइट कहलाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम पीएनबी फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। अच्छा, ये एक मेंशन हो गया कि जो पीएनबी का नेबर होगा कौन है, ये नहीं मेंशन है, लेकिन पीएनबी का एक नेबर होगा। तो जब हमें ये नहीं पता होता कि कौन है ये, तो हम एक इमेजिनरी पर्सन मान लेते हैं। जैसे पीएनबी का एक नेबर है एक्स वन, फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक, यानी ये किसे फेस करेगा? तो ये फेस करेगा कैनरा बैंक को। अब चूंकि हमें पता है आर नीचे वाली रो में है तो पीएनबी भी नीचे वाली रो में होगा, तो जो पीएनबी का नेबर है वो मान लिया। अभी हमने कौन है ये नहीं पता था, हमने मान लिया एक इमेजिनरी पर्सन है एक्स वन, ये फेस कर रहा है किसे? कैनरा बैंक को। तो चूंकि ये नीचे वाली रो में होगा तो कैनरा बैंक डेफिनेटली ऊपर वाली रो में होगा। ओके, बी डज नॉट सेट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड। बी किसी एंड पर नहीं। अब चूंकि बी ऊपर वाली रो में है तो हम ये कह सकते हैं बी इनमें से किसी एंड पर नहीं, ठीक है। आर इज नॉट फ्रॉम ओबीसी। ओके, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव आर नहीं, ओबीसी का रिप्रेजेंटेटिव आर नहीं। एंड पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, पीएनबी का रिप्रेजेंटेटिव पी नहीं, ये मेंशन कर लिया पीएनबी का रिप्रेजेंटेटिव पी नहीं। आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बताइए क्या आर उस पर्सन का नेबर है जो कहां बैठा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ठीक सामने। अब चूंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र और सी ऊपर वाली रो में है तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के ठीक सामने जो पर्सन बैठेगा वो नीचे वाली रो में होगा। ये कौन है ये मेंशन नहीं किया गया,
तो इसे फिर से एक इमेजिनरी पर्सन मान लेते हैं एक्स टू, कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने एक पर्सन बैठा है और इस पर्सन का नेबर है आर, इसका नेबर है आर, यानी ये दोनों एक दूसरे के इमीडिएट नेबर हैं। तो बोला गया आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वो किसे फेस कर रहा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो आर का नेबर बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस कर रहा, ठीक है। सो द पर्सन फ्रॉम, नेक्स्ट पॉइंट है, द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने जो पर्सन बैठा है ये पर्सन सिंडिकेट बैंक का नहीं है, इसलिए हमने लिख लिया, क्रॉस लगा दिया। तो एक्स टू जो है वो सिंडिकेट बैंक का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। ओके, नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या है? द पर्सन हु फेसेस एस सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए, यानी जो पर्सन एस को फेस कर रहा है, कौन कर रहा है ये मेंशन नहीं। तो जो पर्सन एस को फेस कर रहा है कौन है नहीं पता, फिर से एक्स थ्री मान लिया, लेकिन ये पर्सन बताया गया ए के लेफ्ट साइड होगा। अब चूंकि ए की फेसिंग साउथ है तो ए का लेफ्ट उल्टा चलेंगे, तो बताया ही गया कि जो पर्सन एस के सामने है वो पर्सन ए के लेफ्ट में है, तो ए के लेफ्ट में जो बैठा है वो एस के ठीक सामने, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। एंड पी डज नॉट फेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। पी जो है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस नहीं कर रहा, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस एक्स टू कर रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं ये जो एक्स टू है ये भी पी नहीं है। तो अगर आप यहां पर बात करें तो हमारे पास कुछ ये जानकारियां मिली, जिसमें से ये इंफॉर्मेशन की पहली सेट है, ये दूसरी सेट है, ये तीसरी सेट है और ये चौथी सेट है, ठीक है। अब सवाल उठता है क्वेश्चन को सॉल्व करने की शुरुआत कहां से करें, जहां मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हो। मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमें सेकंड सेट में दिख रहा है, हम सबसे पहले सेकंड सेट की इंफॉर्मेशन को यहां प्लेस करेंगे। तो अब सी की बात करें तो सी से सेकंड प्लेस पर कौन आएगा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र आएगा। अब अगर सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की अगर बात करें प्लेस करने की, तो देखो एक कंडीशन हो सकती है कि सी को अगर हम इस सीट पर रखें तो इससे सेकंड प्लेस पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां आ सकता है, चूंकि ये दोनों ऊपर वाली रो में। और एक केस ये हो सकता है कि सी को अगर हम यहां रखें तो इससे सेकंड प्लेस पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां आ सकता है। इसके आगे अगर सी को रखा जाए तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो यानी सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र को प्लेस करने की दो पॉसिबिलिटीज हैं, वन बाय वन दोनों पॉसिबिलिटीज वेरीफाई करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग फर्स्ट पॉसिबिलिटी देख रहे हैं, सही हुआ तो ठीक, वरना सेकेंड पॉसिबिलिटी देख लेंगे, ये ध्यान रखना है आपने, ठीक है। चलिए, तो सी को हमने यहां रखा और सी से सेकेंड प्लेस पर हमने प्लेस कर दिया बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने सिंडिकेट बैंक और पी को नहीं रख सकते, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने ये सीट है, यहां पी नहीं आ सकता और सिंडिकेट बैंक भी नहीं, लेकिन इसके नेबरिंग सीट पर किसे आना चाहिए, आर को आना चाहिए, क्योंकि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने एक्स टू है और एक्स टू का नेबर कौन है, आर। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने सीट ये है एक्स टू, इसका नेबर होगा आर, नेबर तो है लेकिन ये नहीं पता कि आर लेफ्ट में होगा या राइट में होगा, यानी दो पॉसिबल कंडीशंस होंगे, या तो आर लेफ्ट में हो या फिर आर राइट में हो, ये दो केसेस हो सकते हैं। एक एक करके दोनों पॉसिबिलिटीज को वेरीफाई करते हैं। केस नंबर वन, अगर आर को यहां रखा जाए तो क्या होगा, और अगर ये गलत हुआ तो केस नंबर टू, आर को यहां रख के चेक करेंगे। अगर दोनों ही गलत हो गए, ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर दोनों ही गलत हो गए इसका मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की ये पॉसिबिलिटी सही नहीं है, यानी हमारी सी और बैंक ऑफ महाराष्ट्र की पहली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, और अगर वो गलत हो गई तो फिर हम सेकंड पॉसिबिलिटी वेरीफाई करेंगे, ठीक है ना। चलिए प्रोसेस को समझना है। अब आर को यहां रखा तो आर से सेकंड प्लेस पर पीएनबी आना चाहिए। अब आर के लेफ्ट में तो सेकंड सीट है ही नहीं, यानी राइट साइड चलना होगा, राइट साइड सेकंड प्लेस पर रख दिया किसे, पीएनबी को, ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव को। अब हमें पता है ना कि पंजाब नेशनल बैंक से जो पहली सीट होगी उसके ठीक सामने कैनरा बैंक आना चाहिए, पंजाब नेशनल बैंक के पहली सीट और सामने कैनरा। अब पंजाब नेशनल बैंक के पहली सीट तो केवल इसी साइड आ सकते हैं, और इसके सामने तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र दिख रहा है, हमें चाहिए कैनरा, दिख रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसका मतलब पीएनबी को यहां प्लेस नहीं कर सकते।
इसका ये भी मतलब निकलता है कि आर की यहां आर को प्लेस नहीं कर सकते। अब अगर आर यहां नहीं आ सकता यानी आर की पहली पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी, और अगर आर की पहली पॉसिबिलिटी गलत हो गई तो अब आर की सेकेंड पॉसिबिलिटी पर आएंगे यानी आर को यहां रख लेंगे, और इस आर से सेकेंड प्लेस पर पंजाब नेशनल बैंक, फर्स्ट एंड सेकेंड यहां प्लेस कर लेंगे पंजाब नेशनल बैंक, और इसके इमीडिएट और सामने आना चाहिए कैनरा। इमीडिएट का मेंशन नहीं है लेफ्ट है या राइट, तो दोनों साइड चेक कर सकते हैं। तो इमीडिएट राइट और सामने बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, यहां कैनरा नहीं आ सकता, तो इमीडिएट लेफ्ट और इसके ठीक सामने पुट कर लेंगे किसे, कैनरा बैंक को। तो पीएनबी के इमीडिएट और सामने कैनरा, पीएनबी के इमीडिएट और सामने कैनरा। अब देखिए जहां पीएनबी को प्लेस किया है वहां पी नहीं हो सकता यानी इस सीट पर पी पॉसिबल नहीं। नीचे वाली रो को ध्यान से देखो तो हमने सेकंड वाली पूरी की पूरी जानकारी अभी प्लेस कर ली है। अब नीचे वाली रो पर देखिए तो बेटा पी इस सीट पर नहीं आ सकता पीएनबी वाली सीट पर, पी यहां नहीं आ सकता बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सामने, और यहां ऑलरेडी आर है तो पी यहां भी नहीं आ सकता, यानी इन तीन सीटों पर पी नहीं आ सकता, तो पी के लिए तो एक ही सीट बची ना, तो इस सीट पर प्लेस कर लेंगे पी को। तो सेकंड वाली इंफॉर्मेशन को हमने रख लिया, अब जरा थर्ड वाले इंफॉर्मेशन को देखो। हमें पता क्यू के ठीक सामने देना बैंक आना चाहिए, क्यू के ठीक सामने देना बैंक। अब देखिए क्यू के लिए ये दो खाली सीटें हैं जिसमें से क्यू को अगर यहां रख दें तो इसके ठीक सामने तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र आ जाएगा, यानी यहां तो देना आ नहीं सकता, इसका मतलब हम क्यू को यहां प्लेस नहीं कर सकते। तो अब क्यू के लिए हमारे पास एक ही सीट बची और इसके ठीक सामने आ जाएगा कौन, देना बैंक। तो क्यू के ठीक सामने हमने प्लेस कर लिया देना बैंक। नीचे वाली रो में देखे तो P, Q और R आ गए हैं, एक पर्सन बच रहा है S, तो बेटा S को हम यहां प्लेस कर लेंगे, ठीक है। तो P, Q, R, S, R, R, S यानी नीचे वाली रो का काम तो हो गया, चारों पर्सन आ गए हैं, ठीक। अब देखिए जहां आपने S को रखा है हमें पता है S के सामने और लेफ्ट वाली सीट पर A को रख देना है, S के सामने गए और लेफ्ट वाली सीट पर A को रख दिया, ए और एस भी प्लेस हो गए, ठीक है, कि ए के इमीडिएट लेफ्ट में जो पर्सन होगा वो एस के सामने होना चाहिए, ठीक। चलिए अब देखिए हमें ये भी इंफॉर्मेशन मिली थी यूको और ओबीसी आमने सामने होने चाहिए, यूको और ओबीसी आमने सामने होने चाहिए। अब आमने सामने में यहां नहीं हो सकता क्योंकि एक सीट फिल्ड है, हमें आमने सामने की दोनों सीट खाली चाहिए, ये दोनों ही फिल्ड है, यहां पर भी एक फिल्ड है, तो आमने सामने की केवल यही दो सीटें बच रही हैं, यानी इन्हीं में से एक सीट पर यूको और दूसरी सीट पर ओबीसी होना चाहिए, जिसमें से हमें पता है कि ओबीसी जिस सीट पर होगा वहां आर नहीं होना चाहिए, आर वाली सीट पर ओबीसी नहीं होगा। अगर आर वाली सीट पर ओबीसी नहीं होगा तो आर वाली सीट पर यूको को रख लें और यूको के ठीक सामने किसे रख लें, ओबीसी को। यूको के ठीक सामने किसे रख लेंगे, ओबीसी को, ठीक है। चलिए अब जरा देखिए तो बैंक की बात करें तो एक दो तीन चार पांच और छह बैंक आ गए हैं, एस वाली जगह पर सिंडिकेट बैंक नहीं आ सकता, तो सिंडिकेट बैंक के लिए केवल एक जगह बच रही है, तो इस बची हुई जगह पर सिंडिकेट बैंक को प्लेस कर लेंगे। और लास्ट एक बैंक और बच रहा है विच इज इंडियन, तो यहां प्लेस कर लेंगे इंडियन बैंक को। ऊपर वाले रो में देखिए तो पर्सन में सी और ए को पुट कर लिया है और हमें एक इंफॉर्मेशन यह मिली थी कि बी बेटा किसी एंड पर नहीं होगा, यानी यहां बी को नहीं रख सकते हैं, तो बी के लिए एक सीट बच रही है, यहां बी को रख लिया, ए बी सी आ गए हैं, लास्ट पर्सन बचा डी, तो इस लास्ट सीट पर प्लेस कर लिया हमने डी को। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होता है और ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये बेस है आपके कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन का। एंड दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो आस्क्ड, मीन्स दिस क्वेश्चन वॉज ऑल्सो आस्क्ड इन योर IBPS एग्जामिनेशन, तो आप समझ सकते हैं इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो इसे लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। दैट्स इट फॉर द डे, थैंक्स फॉर लर्निंग।